गिरफ्तार किया है, ये लोकतंत्र की हत्या है और इस देश के अंदर तानाशाही की घोफड़ा है। अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस देश के अंदर हर बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है, उसकी आवाज को दबाया जा सकता है। इसलिए साथियों, आज से लड़ाई शुरू हुई है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। देश के अंदर जब से इंडिया गठबंधन बना है, भाजपा को ये लगता है 400 पार नहीं, 40 पर भाजपा सिमटने जा रही है देश के अंदर। और इसलिए उन्होंने तय किया है एक एक करके हर विपक्ष के नेता को गिरफ्तार करो, लेकिन आज हद पार हुई है। देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। देश के प्रधानमंत्री जी ने चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार करवाया है, कोर्ट में अदालत में मामला विचाराधीन है, ये इस देश में आपातकाल की घोफड़ा हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। इस लड़ाई की शुरुआत उन्होंने की है। इस लड़ाई को देश की जनता लड़ेगी, दिल्ली के लोग लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। अभी अरविंद केजरीवाल जी को लेकर गए हैं, अभी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनकी बैठक अभी हमने घर पे बुलाई है और उस बैठक के बाद हम आगे की रणनीति घोषित करेंगे। सर, सुबह 10 बजे को भी लेकर कोई प्लानिंग तैयार की गई है? अभी ये सारे कल पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर, दिल्ली में भी, इस तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली के और